हे गाइस, वेलकम टू अनदर रिव्यू वाला वीडियो। सो इस वीडियो को आप कंपैरिजन वीडियो भी बोल सकते हो। सो इसमें आज हम पॉन्ड्स की बीबी क्रीम वर्सेस लैक्मे की क्रीम देखने वाले हैं। वैसे तो गाइस, आपने इस वाले टॉपिक पर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बट ये वीडियो सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपका आपका जो भी कंफ्यूजन है वो मैं दूर करने वाली हूँ, कम्प्लीटली गायब करने वाली हूँ। मतलब किसको कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, किस पर कौन सा शेड अच्छा लगेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना है। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हो, सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं स्किन केयर, फैशन, ब्यूटी और रिव्यूज के बहुत सारे वीडियो डालती हूँ। सो साथ में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको जरूर हिट ना। अभी चलते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम की। ये क्रीम आपको इंस्टेंट स्पॉट कवरेज प्लस लाइट मेकअप ग्लो देगी। ये वाली क्रीम विटामिन इनरिच वाली क्रीम है, प्लस इसमें लाइट वेट फाउंडेशन भी ऐड किया है विद SPF 30 PA++। प्राइस की बात करें तो ये क्रीम आपको 80 रुपीज में मिल जाएगी, प्लस इसमें 9 ग्राम का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा और कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग के साथ आपको रिसीव होगा। और इसकी इनर पैकेजिंग जो है वो है छोटू सी और क्यूट सी ट्यूब है। ये है 9 ग्राम की सबसे छोटी वाली साइज है। सबसे पहले आप इसे ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छी लगी, पसंद आए तो उसके बाद आप और बड़ी वाली साइज पर स्विच कर सकते हो। और इसमें आपको दो शेड मिल जाएंगे, एक है आइवोरी और सेकंड जो शेड आता है वो है नेचुरल। आइवोरी जो शेड आता है वो थोड़ा फेयर में थोड़ा लाइट शेड आता है, और जो नेचुरल होता है वो मीडियम शेड होता है। बहुत ही लाइट वेट इसका फॉर्मूला है और डेली यूज के लिए ये बेस्ट क्रीम है। ये आपको शेयर कवरेज प्रोवाइड करेगी और आपके स्किन को इवन टोन भी दिखाएगी, छोटे मोटे आपके जो डार्क स्पॉट है इसको भी हाइड कर देगी, बट ये आपको फुल कवरेज नहीं देगी। सो अभी हम बात करते हैं इसकी कलर कंसिस्टेंसी एंड फ्रेग्रेंस की। कलर की बात करें तो ये फाउंडेशन की तरह ही दिखती है, जैसे कि आप देख रहे हो, और ये एक तरह का फाउंडेशन ही होता है। बट जैसे आप फाउंडेशन और मॉइस्चराइजर को मिक्स करके लगाते हो ना, वैसा वाला कवरेज आपको ये देगी। और फटाफट से लाइट वेट है तो फटाफट से आपकी स्किन में ब्लेंड भी हो जाती है। सो आप देख सकते हो, और इंस्टेंटली मेरे स्किन पर वो अच्छे से ब्लेंड भी हो चुकी है। सो अभी आप देख सकते हो ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं दिख रहा है, नॉर्मल कवरेज दिया है, शेयर कवरेज इसने मेरे को प्रोवाइड किया है। आप चाहे तो इसे फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो और ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट आपको अच्छा कवरेज चाहिए तो आपको फिंगर से ही ब्लेंड करना चाहिए। और इसकी फ्रेग्रेंस की स्मेल की बात करें तो जो पॉन्ड्स के जो प्रोडक्ट की स्मेल आती वैसी ही इसकी भी फ्रेग्रेंस स्मेल है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और इसमें आपको SPF 30 PA++ भी मिल जाएगा, तो आपको हल्का फुल्का सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। सो डेली वेयर के लिए दिस इज द बेस्ट क्रीम गाइस। अभी हम बात करते हैं हमारी दूसरी क्रीम की, वो है लैक्मे की सीसी क्रीम है। ये है लैक्मे की 9 to 5 सीसी क्रीम कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। ये ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिश, और इसमें भी आपको SPF 30 PA++ मिल जाएगा। और इसकी जो प्राइस है वो है 120 रुपीज, और 120 रुपीज में आपको 9 ग्राम का प्रोडक्ट रिसीव होता है और कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड आउटर पैकेजिंग के साथ आपको ये रिसीव होता है। और इनर पैकेजिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से छोटू क्यूट वाली ट्यूब के साथ आपको मिलती है। और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि इसमें आपको 4-5 शेड आराम से मिल जाएंगे, तो आपके हिसाब से, आपके स्किन के हिसाब से आप शेड चूज कर सकते हो। और वैसे तो इसमें मेरा जो शेड है वो है हनी, और हनी शेड मेरे को परफेक्ट आ रहा है गाइस। डार्क भी नहीं हो रहा है और लाइट भी नहीं हो रहा है, मेरे स्किन पर मैच हो रहा है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। सो अभी हम बात करते हैं इसकी कलर और कंसिस्टेंसी की। कलर तो फाउंडेशन की तरह ही आता है, क्योंकि ये है सीसी क्रीम, इसे कलर करेक्टिंग क्रीम भी बोलते हैं। और अभी हम बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। सो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी थीक होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम है, ये आपके डार्क स्पॉट को हाइड करने के लिए, सो इसके लिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी थीक होती है। और जो बीबी क्रीम की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी लाइट वेट, थोड़ी पतली होती है, सो ये वो इजी वे से ब्लेंड हो जाती है। और इसमें आपको फटाक से उसे ब्लेंड करना होता है, क्योंकि ये थोड़ी थीक होती है। और सीसी क्रीम का काम ही होता है कलर करेक्शन करना, आपके डार्क स्पॉट को कंसील करना, सो इसके लिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थीक होती है और इसे फटाक से ब्लेंड भी करना पड़ता है। सो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, कलर भी देख सकते हो, सो इसे भी फटाफट से ब्लेंड करना पड़ता है। इसका कवरेज कैसा दे रहा है मेरे हाथ पे, और इसका जो शेड है वो है हनी शेड है। सो अभी आप देख सकते हो ये ब्लेंड हो चुकी है प्रॉपर। सो अभी मैं आपको ये वाला
ये है, यहाँ पर मैंने बीबी क्रीम ब्लेंड की थी और यहाँ पर मैंने सीसी क्रीम ब्लेंड की थी। सो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। इसमें नॉर्मल शेयर कवरेज है और इसमें अच्छा खासा कवरेज दिया है, मतलब आपके डार्क स्पॉट है वो कम्प्लीटली हाइड कर देगी। सो डिफरेंस आपके सामने ही है गाइज। सो अभी मैं आपको दोनों क्रीम अपने फेस पर लगा के दिखाती हूँ और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि बीबी क्रीम क्या है, सीसी क्रीम क्या है, किसको कौन सी क्रीम लगानी चाहिए और किस पर कौन सा शेड अच्छे से सूट होगा। पर अब हम बात करते हैं बीबी क्रीम और सीसी क्रीम में क्या डिफरेंस होता है, किसको बीबी क्रीम लगानी चाहिए और किसको सीसी क्रीम। तो सबसे पहले हम बीबी क्रीम की बात करते हैं। तो बीबी क्रीम का फुल फॉर्म ही होता है ब्यूटी बाम और इसको फाउंडेशन का सब्स्टिट्यूट भी माना जाता है, बट फाउंडेशन से काफी ज्यादा लाइट कवरेज आपको ये प्रोवाइड करता है, लो कवरेज देता है। आपकी स्किन पर जो भी छोटे मोटे डार्क स्पॉट है उसको वो लाइट कवर करता है। नो मेकअप मेकअप के लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट रहेगा और आप इसे आराम से डेली यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सीसी क्रीम की। सीसी क्रीम का फुल फॉर्म होता है कलर करेक्टिंग क्रीम। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है, अनइवन स्किन टोन है, रेडनेस है, तो उसको कवर करने के लिए आप सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो। बेबी क्रीम से सीसी क्रीम बहुत ज़्यादा थिक होती है। सो अब मैं आपको बताती हूँ किसको बेबी क्रीम यूज़ करनी चाहिए और किसको सीसी क्रीम। जिनकी भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और जिनको नेचुरल लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो लोग बेबी क्रीम लगा सकते हैं डेली वेयर के लिए, और जिनके स्किन पर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है, अनइवन स्किन टोन है, वो लोग सीसी क्रीम लगा सकते हैं। सो अभी आप मेरा फेस ध्यान से देख सकते हो, किसने मेरे को कितना कवरेज दिया है। बीबी क्रीम ने बहुत ही लाइट कवरेज मेरे को दिया है और सीसी क्रीम ने काफ़ी अच्छा कवरेज दिया है। छोटे मोटे जो डार्क स्पॉट है वो हाइड हो चुकी है और जो मेरा स्किन का सरफेस है वो मैट ही दिख रहा है। दोनों भी क्रीम बहुत ही अच्छी है, बट आपके ऊपर है आपको कितना ज़्यादा कवरेज चाहिए, आपको नेचुरल कवरेज चाहिए या फिर हाई कवरेज चाहिए। सो गाइस, ये है आज की हमारी वीडियो। दोनों क्रीम का हमने रिव्यू किया है। सो आपको आपका जो डाउट है पूरा क्लियर हो चुका है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इसकी आपको आंसर जरूर दूंगी। और दोनों भी क्रीम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव योर सेल्फ।